सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लैश रॉयल की न्यू अपडेट के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हिटमैन गेमिंग में और मैं आपका होस्ट तीर्थ। आज हम बात करने वाले हैं क्लैश रॉयल में जो 20 जून को न्यू अपडेट आने वाली है उसके बारे में। हालांकि उसमें क्लैश रॉयल ने कल ही टीवी रॉयल का एपिसोड यूट्यूब पे अपलोड किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि दो नए कार्ड आने वाले हैं। वन इज़ जायंट स्नोबॉल एंड अनदर इज़ रॉयल हॉग्स। सो आइए मैं आपको उनका कुछ कार्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ जो कि क्लैश रॉयल ने रेडिट पे अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट की है। स्नोबॉल एक कॉमन रेरिटी वाला कार्ड रहेगा जो दो एलिक्सर का रहेगा। उसका डैमेज रहेगा 110 और क्राउन उसका रेडियस 3 टाइल रहेगा जो कि फायरबॉल से काफ़ी बड़ा है और जैप से तो काफ़ी ही बड़ा है। और वो आइस विज़र्ड की तरह 2 सेकंड के लिए कोई भी ट्रूप को स्लो डाउन करेगा और कोई भी ट्रूप की स्पीड 35% लेस कर देगा उसकी अटैक स्पीड लाइक जायंट हॉग राइडर इन सब की 2 सेकंड के लिए। और दूसरा कार्ड जो आने वाला है वो है रॉयल हॉग्स जो कि बेसिकली हम क्लैश रॉयल में अभी हॉग राइडर नाम का कार्ड है ही, लेकिन रॉयल हॉग्स में क्या ऊपर उनके ऊपर राइडर नहीं रहेंगे, खाली हॉग्स रहेंगे और उसके काउंट होंगे 4 जो कि रेयर रेरिटी वाला कार्ड है, 5 एलिक्सर कार्ड है और उसका डैमेज रहेगा 59 और उसकी हिट स्पीड रहेगी 1.1 सेकंड। लेकिन उसका कलेक्टिव डैमेज पर सेकंड रहे कलेक्टिव हिट पॉइंट है 601 का, तो कलेक्टिव हिट पॉइंट रहेगा 2400 क्योंकि 4 काउंट है उस रॉयल हॉग्स में और वो बहुत ही स्पीडी ट्रूप है लाइक हॉग राइडर है, वैसे ही उसी स्पीड से टावर पर जाके डैमेज करते हैं और उसका डैमेज पर सेकंड रहेगा 53 जो कि अभी हमको रेडिट पर बताया गया है। और उसका कलेक्टिव डैमेज पर सेकंड रहेगा 212 यानी कि 212। सो ये दो कार्ड नए आने वाले हैं। इसका बेसिकली एक ड्राफ्ट चैलेंज आएगा, इसमें दोनों कार्ड में से चूज़ करना होगा दोनों ओपोनेंट्स को और आपको, और इसमें बेसिकली आपको 12 विन नहीं करने हैं ये कार्ड्स अनलॉक करने के लिए, कुछ 6 या 8 विन में ही आपको ये कार्ड अनलॉक हो जाएंगे। और जब भी ये कार्ड अपने क्लैश रॉयल में रिलीज़ होंगे तभी से कोई भी चेस्ट में मिल सकते हैं। तो आपके पास अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके पास सुपर मैजिकल मैजिकल जायंट ऐसा कोई भी डेक है तो अभी मत खोलिए, ये डेक ये कार्ड्स रिलीज़ हो जाए उसके बाद खोलिए तो आपको ये कार्ड्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट डे से अवेलेबल रहेंगे सारे डेक चेस्ट में। तो आइए मैं आपको क्लैश रॉयल में और जो चेंजेस आने वाले हैं वॉर में और वो सब में वो भी दिखा देता हूँ कि और क्या क्या ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्लैन वॉर अभी वो अपने रेडियो टीवी रॉयल वाले एपिसोड में बता रहे थे कि वो 0.0 वर्जन था, अभी वो लोग 1.0 वर्जन रिलीज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम सक्सेसिव चेंजेस देखते रहेंगे क्लैन वॉर्स में टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। सो मैं आपको अपनी कल वॉर की बैटल दिखाऊंगा और उसके बाद उसी बीच में आपको जो नए चेंजेस आने वाले हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी क्लैन वॉर में उन लोगों ने बताया है कि हम अपने जो सोशल टैब है वो हाईलाइट कर सकते हैं जब हम क्लैन वॉर में अटैक कर रहे होंगे। दूसरा चीज़ वो बताए कि अब हम हमारे ओपोनेंट्स क्लैन को स्पेक्टेट कर सकते हैं और उनके जो अटैक्स कर रहे हैं वो लोग वो भी स्पेक्टेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, तो हमारे क्लैन को अच्छा रहेगा देखने के लिए कि कौन कैसे अटैक कर रहा है और हमें कितने अच्छे अटैक और करने चाहिए यार, अच्छे अटैक करने चाहिए जीतने के लिए। फिर उन लोगों ने बताया था कि अभी वो क्लैन वॉर में, यहाँ पे मैंने अपनी स्पार्की रखी है और स्पार्की पैका वाला डेक यूज़ किया है जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर आपको ये डेक अच्छा लगे तो कॉपी कर सकते हैं। और उस क्लैन वॉर्स में अगर आपका कोई डेक अच्छा लगे क्लैन वॉर में जो कलेक्टेड कार्ड है उसमें से बनाया हो वो डेक भी अब आप कॉपी कर सकते हैं अपने रेगुलर डेक में जो अभी नेक्स्ट अपडेट में भी आने वाला है। और क्लैश रॉयल ने एक और चीज़ बताई नहीं है टीवी रॉयल के एपिसोड में, लेकिन न्यू इमोजीज आ रहे हैं जो कि वो 4 रेगुलर इमोजीज थे उससे भी
उसके एडिशन में कुछ इमोजीज आ रहे हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके क्लैनमेट्स और फ्रेंड्स आपके मैच के ड्यूरिंग स्पेक्टेट करते हुए भी वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसका इमेज मैं आपको दिखा दूंगा ये वीडियो एंड हो उसके पहले पहले। तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं क्लैन वॉर्स में, और ये अभी भी नेक्स्ट सक्सेसिव चेंजेस आते रहेंगे। दूसरा, इन लोगों ने लेडर इम्प्रूवमेंट भी की है, कि अगर अभी क्या होता था कि रिसाइकल जो ट्रॉफी लीग्स थी वो हर सीज़न एंड होता था, तो सारे लाइक 4900 तक के पीपल 4000 ट्रॉफीज़ पे आ जाते थे। तो लीग रीसेट के बाद अगर आपकी मैच मेकिंग 4000 वाला बंदा भी 4900 वाले बंदे से खेल रहा होता था, तो मैचअप थोड़ा अनइवन हो जाता था और वन साइडेड मैच हो जाती थी। सो इसको उन्होंने निकाल दिया है, और अभी लीग चेंजेस में भी, लीग रीसेट में भी चेंज कर रहे हैं। और द बिगेस्ट थिंग दे आर चेंजिंग इज दैट अभी वो कार्ड्स है जो अरीना पे मिल रहे थे वो थोड़े एक्सचेंज कर रहे हैं। लाइकवाइज इलाइट बारबेरियंस अभी आपको 2000 प्लस ट्रॉफीज पे नहीं मिलेंगे, और अभी 3000 प्लस ट्रॉफी पे यानी कि हॉग अरीना में मिलेंगे। और हंटर जैसे कार्ड जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है लेकिन ऊपर उतने काम नहीं आ रहे हैं हायर लेडर में, तो वो कार्ड अभी गोब्लिन अरीना में मूव कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा मूव मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो अपने प्लेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं नए से क्लैश रॉयल, उनके लिए ये कार्ड बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा और यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने चेंजेस आ रहे हैं क्लैश रॉयल में 20 जून को। सो अगर आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।